नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय हिंदी नी अंदर आपने प्रकरण नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतो काव्य नी आजे आपने चर्चा करवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ काव्यना कवि छे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो सबसे पहले हम इस काव्य की चर्चा करने से पहले इस काव्य की कवि के बारे में, कवि का परिचय उसको समझना आवश्यक है। तो कवि का परिचय है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा साहित्य भी प्रकाशित हैं, अन्य साहित्य भी प्रकाशित हैं। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की काव्य रचनाएं हैं, उन्होंने इन क्षेत्रों में काव्य रचनाएं की हैं, इतना साहित्य उन्होंने लिखा है। अब हम इस काव्य में उठो धरा के अमर सपूतो, इस काव्य में कवि हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या उपदेश देते हैं, उन्होंने इस काव्य में क्या लिखा है, तो इसका निष्कर्ष रूप यहाँ पर दिया गया है। तो प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। यानी कि हमारा देश, हमारा जो भारत देश है, वो सदियों से गुलाम था, यानी कि अंग्रेजों के ताबा हेठड़ थे, यानी कि अंग्रेजों के हाथ में हमारे देश की सत्ता थी, तब ये कविता लिखी गई है। उस समय की स्थिति को यहाँ पर लिखा गया है। तो इस समय देश में बहुत बर्बादी हुई थी हमारा देश की, और 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता से, गुलामी से मुक्ति मिली, यानी कि अंग्रेजों के हाथ से, हमारे देश के नेताओं के हाथ में हमारे देश की सत्ता आ गई। सदियों के बाद हमने जो आज़ादी का सवेरा देखा था, यानी कि स्वप्न देखा था, हमारा देश जब आज़ाद हो जाएगा तब हम ऐसा ऐसा विकास हमारे देश का करेंगे, तो सदियों बाद यानी कि कई वर्षों के बाद हमारे देश आज़ाद हो गया है और नई आज़ादी का सवेरा यानी कि हमने देखा है। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है, यानी कि प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर प्रकृति को, ये जो प्रकृति का तत्व है उससे प्रेरणा लेकर हमें ज्ञान का उपयोग करके देश के सपूत, यानी कि हमारे देश के जो अच्छे इंसान हैं सपूत, यानी कि देश का जो देश का नाम रोशन करे, या कुल का नाम रोशन करे, या घर का नाम रोशन करे, ऐसा अच्छा पुत्र को, पुत्र यानी कि पुत्र, ऐसे अच्छे पुत्र को नवनिर्माण, नव यानी कि नया, और निर्माण यानी कि रचना करने की, नया बनाने की के लिए संदेश देते हैं, हमें संदेश देते हैं। यहाँ पर काव्य का शीर्षक ही ऐसा है कि शीर्षक से ही पता चलता है कि हमें कवि क्या कहना चाहते हैं। उठो धरा के अमर सपूतो, यहाँ पर धरा शब्द आया है, धरा का मतलब मातृभूमि, पृथ्वी, ये जमीन, इसे धरा कहते हैं। और अमर यानी कि जो कभी भी मरता नहीं, वो अमर, जो नहीं मरने वाला, वो एक शब्द समूह के लिए एक शब्द आएगा अमर, यानी कि जो कभी मरता नहीं वो। और सपूत, सपूत शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सपूत एक उपसर्ग है, पुत्र
इस शब्द के अंदर जब स उपसर्ग जुड़ता है तो सपूत शब्द का निर्माण होता है। स जिस प्रकार की स वत्ता पुत, ये दोनों शब्द मिलकर सपूत शब्द बनता है सपूत। तो ये स, ये जो स है ये उपसर्ग है और पुत, पुत्र का पुत का मतलब होता है पुत्र। स यानी कि अच्छा और पुत यानी कि अच्छा पुत्र, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो कुल का जो नाम रोशन करता है, देश का जो नाम रोशन करता है, उसके लिए सपूत शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम ये जो कविता है उस कविता का एक एक पंक्ति को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव निर्माण नव प्राण भरो। यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, कवि हमें क्या सिखाना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं कि इसका शब्द का अर्थ क्या होता है। या आगे हम चर्चा कर चुके हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, यहाँ पर धरा यानी कि पृथ्वी, मातृभूमि, हमारे देश की जो भूमि है इसके लिए धरा यानी कि मातृभूमि इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और अमर, जो कभी नहीं मरने वाला, जो मरता नहीं वो न मरने वाला, ऐसा अर्थ होता है सपूत यानी कि अच्छा पुत्र, जो कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र। पुनः, यहाँ पर शब्द आया है पुनः, तो पुनः शब्द का क्या मतलब है, पुनः यानी कि दोबारा, फिर से फिर दोबारा पुनः। नया यानी कि नवीन, जो नया है नव है नवीन है इसके लिए। निर्माण यानी कि बनाना, निर्माण यानी कि किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना, किसी कृति की रचना करना। कोई कवि अगर कोई कविता लिखता है, कोई गद्य विधा लिखता है तो उसे नव निर्माण कहते हैं, और उसी अर्थ में निर्माण शब्द का अर्थ हुआ। जन जन यानी कि प्रत्येक इंसान, प्रत्येक मनुष्य, हरेक मनुष्य, जन यानी कि मनुष्य और जन जन यानी दोनों शब्द, यहाँ पर द्वंद्व समास भी हो सकता है। ये जो शब्द है ना जन जन, तो यहाँ पर जन और जन, हम उसके साथ साथ शब्द के साथ साथ हम जिस प्रकार की शब्द के साथ साथ हम उसमें व्याकरण का कौन सा पॉइंट आता है उसको भी हम चर्चा साथ में करते हैं। तो जन जन, यहाँ पर ये जो शब्द है उसमें ये जो डैश है अंडरलाइन किया गया है, उसका अर्थ क्या होता है, तो कि और, ये जो संयोजक है, संयोजक के रूप में ये डैश रेखा की गई है, तो इसका मतलब और, जन और जन यानी कि प्रत्येक मनुष्य, जन और जन दोनों का समान अर्थ होता है, दोनों को समान वजन। अगर हम एक तराजू में उसे तोला जाए तो समान महत्व दोनों शब्द का महत्व रखते हैं, इसीलिए ये द्वंद्व समास होता है। और जीवन यानी कि जो मनुष्य जीवन जीता है उसके लिए, फिर यानी कि नया, फिर का मतलब क्या होता है नया, और नव स्फूर्ति, नव का मतलब होता है नया, और स्फूर्ति यानी कि उत्साह उमंग, ऐसा उसका अर्थ होता है। नव, दूसरी बार शब्द आया है नव यानी कि नया, और प्राण, हमारा जो जीव है उसके लिए जा प्राण, ऐसा कह सकते हैं, तो इस अर्थ में ये प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। यहाँ पर वर्षों से गुलामी में हमारा देश जी रहा था, हमारे देश के लोग, तो अब नया हमारा देश आज़ाद हो गया है, तो इसीलिए हमारे देश के ये जो नव युवक है, नव ये जो सपूत हैं हमारे देश के अच्छे पुत्रों हैं, उसको नया निर्माण करने के लिए, प्रत्येक मनुष्य को जीवन में नई स्फूर्ति भरने के लिए, अज्ञानता और आलस्य की नींद में जो सो रहे थे
उस नींद से वो लोग जागे हैं, इसीलिए नया निर्माण करने के लिए उत्साह से नया उत्साह भरने के लिए हमारे देश के सपूतों को कवि कहते हैं। नेक्स्ट पंक्ति, नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, नई ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, नई सांस है, युग युग के मूर्छे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इस पंक्ति को भी हमें उसका शब्दार्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। तो नई प्रातः, प्रातः प्रातः शब्द आया है, तो प्रातः का मतलब क्या होता है कि सुबह सुबेरा, और नई बात यानी कि नए विचार, बात यानी कि विचार, नई यानी कि नवीन विचार, नई किरण यानी कि नई सूर्य की जो रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है उसका अर्थ नया प्रकाश, नई ज्योति यानी कि नया विचार, हमारे अंदर जो विचार हैं उसको भी नया विचार कहते हैं, और नई उमंग यानी कि उत्साह भी नया है, और उस उत्साह में तरंग भी, तरंग यानी कि लहर, जिस प्रकार पानी में जो लहर होती है पैदा होती है ना, पानी हिलता है, उसी प्रकार हमारे उत्साह उमंग में भी, विचार में भी नई लहर आ जाती है। और नई आस, आस शब्द का मतलब है नई आशा है, हमारा देश में ये जो आज़ाद हो गया है इसीलिए नई आशा भी पैदा हुई है, नई सांस यानी कि हम जो श्वास लेते हैं ये भी नया हो गया है, युग युग यानी कि कई वर्षों से, युग युग, और मुरझे यानी कि जो फूल मुरझा जाते हैं धूप में, जिस प्रकार खिला हुआ फूल होता है, पुष्प होता है, सुमन यानी इसका मतलब पुष्प, ये जो मुरझा जाते हैं उसके लिए, और नई मुस्कान भरो यानी कि नए मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, नया निर्माण करो। तो कवि हमें इस पंक्ति के माध्यम से हमें ये सिखाना चाहते हैं कि अब नया सुबेरा आ गया है, सुबह भी नई आ गए हैं, जब हम गुलाम थे लेकिन अब तो हम आज़ाद हो गए हैं, इसीलिए हमारे जीवन में नया सुबेरा आ गया है, विचार भी नए आ गए हैं, विचारों की किरणें भी नई आ गई हैं, और विचारों की किरण नई आ गई हैं, इसीलिए हमारे जीवन में प्रकाश का अनुभव हो रहा है, नया प्रकाश आ गया है, और उस नए प्रकाश आने के लिए हमारे मन में जो उत्साह उमंग है उस उमंग भी नए आ गए हैं, और उस उमंग से हमारा हौसला भी बढ़ गया है, तरंग रूपी जो हौसला हमारा है वो हौसला भी बढ़ गया है, सबके मन में अब नई आशाएं पैदा हो रही हैं, सभी इंसान हैं, सभी मनुष्य हैं, उस मनुष्य के मन में नई आशाएं पैदा हो रही हैं कि हम विकास करके हम ऐसा जीवन जिएंगे, हमारा ऐसा विकास हो जाएगा, ऐसा सभी के मन में नई आशाएं पैदा हो रही हैं, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो यानी कि जो वर्षों से अंग्रेजों की गुलामी में लोग जी रहे हैं, सुमन यानी कि यहाँ पर प्रतीकात्मक प्रतीकों के माध्यम से हमें कवि समझाना चाहते हैं कि हम इस प्रकृति के जो तत्व हैं उसको प्रतीक बनाकर हमारे यहाँ पर सजीवारूपण अलंकार को आरोपित किया गया है, यहाँ पर ये जो प्रकृति के तत्व हैं उसका आरोपण इंसान के ऊपर किया गया है, इस प्रतीकात्मक ढंग से यहाँ पर कवि ने लिखा है। तो युग युग के मुरझे सुमनों यानी कि ये जो उपमा दी गई है पुष्प मनुष्य को, किसकी उपमा दी गई है तो कि मुरझे सुमनों की उपमा दी गई है यहाँ पर, तो युग युग के मुरझे सुमनों यानी कि वर्षों से जो इंसान गुलामी में थे, ये कर्माए हुए थे मनुष्य, मुरझाए हुए पुष्प की भांति कर्माए हुए हैं, क्योंकि उसके हाथ में स्वतंत्र जीवन जीने की लगाम नहीं है, तो जीवन जीने की लगाम किसके हाथ में थी तो कि अंग्रेजों के हाथ में थी, इसीलिए वो मुरझे हुए थे। तो अब हमारे देश के हाथ में जो सत्ता आ गई है, इसीलिए हम ये उसके मनुष्य के जीवन में मुस्कान भर दो,
ऐसा कवि हमें कहते हैं, उठो धरा के अमर सपूतों, यानी कि इस मातृभूमि के अमर कभी न मरने वाले पुत्रों, अब उठो और नया निर्माण करो, ऐसा कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट पंक्ति, डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं, नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इस पंक्ति में भी कई ऐसे कठिन शब्द दिए गए हैं, इस कठिन शब्दों का अर्थ हमें समझ लेना चाहिए। डाल डाल यानी कि वृक्ष की जो डाली होती है उसे, प्रत्येक डाली, डाल डाल यानी कि प्रत्येक डाली, यहाँ पर भी द्वंद्व समास हो सकता है, हो सकता है यानी कि द्वंद्व समास ही होता है, तो द्वंद्व समास यहाँ पर डाल डाल ये शब्द जो है उसके माध्यम से, यहाँ पर शिरोरेखा बीच में डाल डाल ये शब्द के बीच में यहाँ जो शिरोरेखा की गई है नीचे, तो उसका अर्थ होता है द्वंद्व समास यहाँ पर होता है। और विहग, विहग का मतलब क्या होता है, तो कि पक्षी, पंछी, इसका अर्थ, विहग का अर्थ पंछी। स्वर जो हमें बोलते हैं, हमारा आवाज जो है उसे स्वर कहते हैं, स्वर का मतलब ये होता है। गुनगुन गुनगुन गाते हैं, यहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है, गुनगुन गुनगुन यानी कि ऐसे पक्षी, ये जो गुनगुन गुनगुन भौरे, ये भौरा होता है ना गुजराती भाषा में, आपने कही ऐसे भमरो, ये भमरो गुंजन करतो है, तो ये गुंजन करे छे एने शू कहेवाय छे, गुनगुन। मस्त उधर मंडराते यानी कि भौरा मंडराता है बाग में, उद्यान यानी कि बगीचा, उद्यान में भौरा मस्त यानी कि भौरा, जो भौरा इधर उधर गुनगुनाता है। नव युग की नूतन वीणा में, यहाँ पर नूतन यानी कि नव, ये यहाँ पर भी नव, ये नव युग, ये संख्यावाचक शब्द है, कैसा है, नव संख्यावाचक शब्द है नव, और युग नया युग का निर्माण करने वाला है। तो यहाँ पर भी जो शब्द संख्या को सूचित करता है, इसीलिए यहाँ पर नवयुग ऐसा शब्द, दो शब्द मिलकर बनता है। और नूतन, नूतन का अर्थ होता है नवीन, और वीणा, वीणा का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि सरस्वती की माता के हाथ में जो सितार जैसा वाद्य यंत्र होता है उसको वीणा कहते हैं। और नया राग, ये गाने का ढंग, गाने का जो तरीका है, राग यानी कि गाने का जो तरीका है उसे राग कहते हैं। नव गान भरो यानी कि नवा गीत भरो, नया गीत भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो यानी कि फरीती नव निर्माण करो। डाल डाल पर बैठे विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, यानी कि प्रत्येक डाली पर, ये वृक्ष की प्रत्येक डाली पर, यानी कि यहाँ पर प्रतीकात्मक ढंग से कहा गया है कि देश के अनेक प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जाति के लोग जो बसे हुए हैं, वो अपने स्वरों में, अपने अपने स्वरों में नए गीत गा रहे हैं, कुछ नया गीत गा रहे हैं अपने अपने स्वरों में। अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, ये जो हमारे देश में अलग अलग इलाकों में बसे हैं, उनका अलग अलग निराला अपना जो स्वर है, उस स्वरों में वो नए नए गीत गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं, यानी कि भौरा की भांति, इस जिस प्रकार ये जो भमरा होता है, उस जेवी रीते जे भमरो छे, आपने भमरो जोयो हसे ने, तमे दरेक विद्यार्थी भमरा ने तो जोयो हसे, तो ये भमरा ने जेम, ये भमरो ज्यां ज्यां फूल खिलेला होय छे, बगीचा में के जंगल नी अंदर पण फूल खिलेला होय, कई रस्ता पर, आज रस्ता नी बाजू में कोई झाड़ होय एना पर फूल खिलेलू होय, तो ये फूल पर भमरो फूल फूल पर गुंजन करतो होय,
रस माटे, एना रस माटे तेवी रीते आ मनुष्य पण पोतानो विकास करवा माटे पोताना पोताना जे लक्ष्य होय छे जेने जे प्राप्त करवुं छे ए लक्ष्यनी आजूबाजू जेवी रीते बगीचामां भमरो गुंजन करे छे एवी रीते ए मनुष्य पण आजूबाजू ए पोताना लक्ष्यनी आजूबाजू फरतो होय छे। तो नवयुग की नूतन वीणा में नया राग, यानी कि ये जो नवयुग की नूतन वीणा में यानी कि खुशी के गीत गा रहे हैं भवरा, उसी प्रकार